उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर के बासी तहसील में समाधान दिवस का कार्यक्रम का समापन हुआ, जिसमें 5 मामलों का निस्तारण हुआ। बाकी मामलों को संबंधित अधिकारी को समीक्षा हेतु दे दिया गया है। समाधान कार्यक्रम अपर पुलिस अधीक्षक मायाराम वर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस दौरान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट जग प्रवेश सहित तहसीलदार गौरव कुमार मौजूद रहे। समाधान दिवस में 82 मामले आए हैं, जिन्हें 5 का निस्तारण किया गया है। बाकी जो अवशेष आवेदक हैं उन्हें संबंधित अधिकारी को कहा जाएगा और समय से उसकी जांच आकर प्रतिबंध निश्चित किया गया है। सबसे ज्यादा पुलिस और विभाग के मामले आए हैं और उन्हें उपलब्ध करा दिया गया है। मामला संज्ञान में आया है, उसकी जांच कराई जा रही है। जांच को आने पर जो भी दोषी होंगे उनकी भी कार्रवाई की जाएगी। जैसे एक तरफ शासन प्रशासन द्वारा पराली जलाने को लेकर मतलब विशेष रोक लगाया गया, जिससे वातावरण प्रदूषित ना हो, वहीं कस्बे से सटे और एन 235 पर कार्यालय के बगल में ही गौवंश कूड़े के ढेर में जल रहा था, तो क्या इससे वातावरण प्रदूषित नहीं हो रहा या किसी के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंच रहा है? जैसा पहले बताया गया है, मामला संज्ञान में आया हुआ है, इसकी जांच कराई जा रही है। जहां रिपोर्ट आने पर जो भी दोषी होंगे उनके भी कार्रवाई की जाएगी। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।